राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में भीषण आग लगी है। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल ये हादसा उत्तम नगर के आर्य समाज रोड पर स्थित दुकान पर हुआ। आपको बता दें कि जिस दुकान में आग लगी है वे किराए की दुकान है। दुकान में आग लगने से हजारों का सामान जल के खाक हो गया है। वैसे आग लगने की असल वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इस तरह का शॉर्ट सर्किट कई बार हो चुका है, जिसके चलते कई और दुकानें आग की चपेट में आ गई हैं। मैं चल तेज तरह से कैमरामैन टिंकू के साथ यहाँ के जो लोग हैं वो सरकार को, बिजली विभाग को और फायर ब्रिगेड को दोष दे रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो फायर ब्रिगेड 10 मिनट में आ सकती थी उसने आने में आधा घंटा लिया और आग बढ़ती ही चली गई। यहाँ के लोगों ने खुद के फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करके आग बुझाने की पूरी पूरी कोशिश की, पर आग तब तक बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और वो नहीं रुकी। जिसके जितने सिलेंडर बढ़े थे सबने यूज़ करे हैं, सबने यूज करे। लोकल जो पुलिस थी उनको भी बुलाया गया, फायर ब्रिगेड ने भी हमारा पूरा साथ दिया, पुलिस ने भी पूरा साथ दिया है, और यहाँ पे जितने भी लोकल दुकानदार थे पूरे साथ 2 मिनट पहुँच गए। लेकिन ये गलती सबसे बड़ी शॉर्ट सर्किट से हुई है, ये वाली जो ये हर बार होती रहती है, आए दिन होती है। कोई सुनवाने वाला सुनने वाला नहीं है यहाँ का, ना MLA सुनने वाला, ना निगम पार्षद सुनने वाला। काम करते करते यहाँ पे आग लगाई, ये लोग वायरिंग डाल रहे थे तब से ये आग लगना शुरू हो गया। कम से कम 3:25, 3:40 में आग लगाए और 15-20 मिनट हमने कॉल किया, कोई भी नहीं आया। जो ये वायरिंग वाला काम कर रहे थे इन्हीं की गलती है, पूरी 100% गलती इनकी है। हमने कम से कम 5-6 फायर सिलेंडर हम लेके आए और सबसे पहले सिलेंडर मैंने मारा है, सबसे पहले मैंने सिलेंडर मारा है। लेकिन आग इतने खतरनाक थी क्योंकि ये वायरिंग बहुत मोटे वाला है, इसके अंदर वाला कोई आया 1 घंटे बाद वो तो आए थे। ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल पड़ोस में ही है, इनके सामने ही जो शॉर्ट सर्किट हुआ, इन्होंने हल्ला मचाया। फिर हम सभी दुकानदार यहाँ पर पहुँचे और फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया, दिल्ली पुलिस में जो लोकल यहाँ के बीट वाले उनको भी फ़ोन किया, SHO साहब भी आए थे यहाँ पर, सभी आए, सब उन्होंने कोऑपरेट किया। ये शुक्र है कि अभी 1 और 2 3 दुकानें जली हैं, आगे भी पहुँच सकता था। और यहाँ तक अभी आप देखो ये सामने दुकान है इनकी, ये देखो ये सारे ऊपर से ये जितने भी नेम लिखे हुए हैं सारे नीचे गिर गए थे, और भी नुकसान हो सकता था। लेकिन फायर ब्रिगेड भी थोड़ी बहुत टाइम से पहुंच गया और दुकानदारों ने जो अपनी हिम्मत और ताकत दिखाई है मैं उसके लिए भी कहूंगा, श्रेय दूंगा। पहले भी आग लगी थी सामने वाले कमरे पे, कौन गली में कमरा है, उसके बाद ये पूरा वायरिंग नया डलवाया, उसके बाद जब से ये वायरिंग डला हुआ है तब से ये शॉर्टेज और आग की खतरा होने वाली स्टार्ट हो गई है। ये आए दिन का ये पंगा यहाँ पर है, ये शॉर्ट सर्किट होता रहता है। काम कर रहे हैं ये यहाँ पे खड़े थे जब ये काम कर रहे थे, जब आग लगा था ये लोग सब खड़े थे यहाँ पे। यहाँ के विधायक को भी हम कई बार ही लिखित में भी दे चुके हैं और कह भी चुके हैं, आम आदमी पार्टी के हैं लेकिन सुनवाई कुछ नहीं है। और निगम पार्षद BJP की उनको भी कह चुके हैं और MP तक को हम कह चुके हैं कि इसका संविधान निकालें, कि यहाँ के संविधान को यहाँ पर एक परमानेंट एक ऐसा व्यवस्था करवाई जाए जिससे कि यहाँ पर तुरंत आग लग जाती है और मार्केट वालों को नुकसान है इससे सबसे ज़्यादा, कि दुकानदार भाई हैं यहाँ पर, दुकानदार भाइयों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है इस चीज़ से। कोई सुनने वाला नहीं है इस चीज़ की। आज इतना नुकसान हुआ है इस गरीब भाई का, जो हम दिल से हम बता ही नहीं सकते किस तरीके से, जिस पे बीतती है वही जानता है। आप लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन करा तो वो कितनी देर में? वो कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटे में तो आ गए, आधा घंटा पूरा, क्योंकि आग यहाँ लगा था, 20-25 मिनट में यहाँ फैल गया। जब आग इस दुकान में फैल गया, इस 2-3 दुकानों के बाद उस वहाँ फैला, तब ये आए, पहले नहीं आए ये लोग। पहले आग यहाँ लगा था, फिर यहाँ लग गया, फिर वहाँ लग गया, फिर वहाँ लग गया, तब आए। तो बताओ द्वारका से तो आना है 10 मिनट में आ सकते हैं, आधा घंटा कैसे आग लग गया। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये हादसा दोपहर के 3 बजे के आसपास बताई जा रही है।